हेलो गाइस, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं बायोलॉजी की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि नेट की कुछ समस्या चल रही थी। खैर, बायोलॉजी में जो हम चर्चा कर चुके थे, हमने न्यूट्रिशन की चर्चा कर ली थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स की चर्चा हो गई थी, ब्लड की चर्चा कर चुके थे, हार्ट की चर्चा कर चुके थे, हार्मोन की हमने चर्चा कर ली थी। और आज मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो शुरू कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और तंत्रिका तंत्र में ही हम बात करेंगे मस्तिष्क की और साथ ही साथ जितने संवेदी अंग हैं उनकी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे तंत्रिका तंत्र के बारे में, क्या होता है तंत्रिका तंत्र। देखिए, सामान्य तौर पर आप ये देखते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो जो कार्य करते हैं तो वो मस्तिष्क के अनुसार कार्य करते हैं। सूचनाओं का कितना बड़ा, कितनी जल्दी आदान प्रदान होता है कि जैसे ही मेरे मस्तिष्क ने आदेश दिया कि मैं कुछ लिखूं और तुरंत मेरे हाथ लिखने के लिए चले गए, तो ये पूरा एक सिस्टम है। और ये जो पूरा भी सिस्टम हमारे अंदर सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है। जो हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। देखिए, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्रिका तंत्र तीन भागों में बटा हुआ होता है। एक जिसे हम बोलते हैं CNS, एक दूसरा जिसे हम बोलते हैं PNS, एक जिसे हम बोलते हैं ANS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हम इसे कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा जिसे बोलते हैं PNS, या जिसे बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और एक होता है ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसे बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कुल मिलाकर के तीन भाग होते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र में, एक होता है CNS, एक होता है PNS और एक होता है ANS। एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं CNS के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, जो हमारा CNS होता है वो मुख्यतः दो अंगों से मिलकर बनता है। एक इसमें होता है ब्रेन, या जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, एक प्रमुख अंग होता है मस्तिष्क इसमें, और एक नंबर दूसरा होता है जिसे मेरुरज्जु कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। साधारण तौर पर यह संरचना जो दिखाई देती है ये इस प्रकार से, देखिए स्थिति क्या होती है। स्थिति ये कि ऊपर हमारा जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये ऊपर वाला, ये होता है मस्तिष्क, और नीचे वाला जो भाग है ये होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है, जो हमारे वर्टिबल कोलम होते हैं अर्थात रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी के बीच में मेरुरज्जु सुरक्षित होता है इस प्रकार से ये। और ये ऊपर वाला जो भाग जो होता है वो होता है हमारा मस्तिष्क। तो हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले मस्तिष्क को लेकर के, ठीक है। और मैं आपसे वो सब टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो हमारी है लेकर के मस्तिष्क को, इसको मैं भी साफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी बात है वो है मस्तिष्क को लेकर के, ब्रेन, मस्तिष्क। तो देखिए, अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो सामान्य तौर पर ये वाला भाग अर्थात जो हमारी ये गर्दन होती है, इससे ऊपर वाला भाग जो हमारा कपाल है, इसमें यहाँ पर सुरक्षित होता है हमारा पूरा ब्रेन। जो हमारा मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा जाता है। एक जिसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन कहते हैं इसे। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन कहते हैं इसे, और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन कहते हैं इसे। तो इस तरीके से जो हमारा मस्तिष्क है उसे तीन भागों में बांटा जाता है।
देखिए, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क हमारे कपाल में सुरक्षित होता है, जो हमारा क्रेनियल होता है उसमें सुरक्षित होता है। और ये जो हमारा मस्तिष्क है, इसके ऊपर तीन झिल्लियाँ पाई जाती हैं। मतलब हमारा मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए हमारे मस्तिष्क के ऊपर तीन झिल्लियाँ होती हैं, तीन झिल्लियाँ होती हैं। और ये जो तीन झिल्लियाँ होती हैं, इनका क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। एक होती है जिसे ड्यूरा मैटर कहते हैं, एक जिसे ऑर्केनोइड कहते हैं, और एक जिसे पिया मैटर कहते हैं। इनमें जो सबसे बाहर वाली झिल्ली होती है, मतलब जो सबसे बाहर की ओर अवस्थित होती है, वो होती है ड्यूरा मैटर। उसके बाद अंदर वाली जो होती है, वो होती है ये ऑर्केनोइड। और उसके बाद जो अंदर वाली झिल्ली होती है, उसे कहा जाता है पिया मैटर। ये तीन होती हैं, और ये तीनों झिल्लियाँ, जिन्हें हम मेनिंजिस भी कहते हैं, इनको मेनिंजिस भी कहा जाता है, और ये हमारे जो हृदय, सॉरी, जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसकी सुरक्षा का काम करती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार ये जो झिल्लियाँ होती हैं, इनमें कोई जीवाणु या कोई विषाणु इन्फेक्शन कर देता है, और जीवाणु या विषाणु के इन्फेक्शन के कारण से जो दिक्कत सामने आती है, जो बीमारी सामने होती है, डिसीज़ होती है, उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। आपने नाम सुना भी होगा मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस वो रियल में क्या है? मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो हमारी इन मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली झिल्लियों में होता है। मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो हमारे मस्तिष्क की इन झिल्लियों में होता है। जो मस्तिष्क की झिल्लियाँ होती हैं, इन मस्तिष्क की झिल्लियों के बीच और मस्तिष्क के बीच में एक पतला द्रव भी भरा हुआ होता है, जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड भी कहा जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड जो है, वो इन झिल्लियों के बीच में और मस्तिष्क के बीच में जमा होता है, जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क सुरक्षित रहता है इन झिल्लियों के कारण से, और साथ ही साथ जो द्रव होता है, वो भी मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। और उसके ऊपर, सबसे ऊपर जो है, वो हमारा पूरे का पूरा कपाल होता है। देखिए, अगर हम अपने कपाल की धारिता की बात करें, जो हमारी कपाल धारिता होती है, वो लगभग होती है आपकी 1400 से 1500 ml। यानी अगर मस्तिष्क को बाहर निकाल करके उसमें अगर कोई तरल भरा जाए, तो ऐसे में लगभग 1400 से 1500 ml तरल वो उसमें आ जाएगा। और यही कारण है कि जो मस्तिष्क का भार माना जाता है, वो लगभग 1400 ग्राम के आसपास माना जाता है, कि लगभग 1400 ग्राम यानी 1.5 kg के आसपास हमारे मस्तिष्क का भार माना जाता है। तो मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, एक होता है जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, एक होता है जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जिसके बारे में हमें चीजों को देखना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क के बारे में देखिए, हमारे मस्तिष्क में जो सबसे ज़्यादा विस्तारित होता है, वो ये अग्र मस्तिष्क ही होता है। और ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, इसमें भी मुख्यतः दो भाग होते हैं, दो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। एक जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम, और दूसरा होता है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, और एक है आपका सेरेब्रम। तो पहली बात हम करते हैं सेरेब्रम के बारे में, क्या होता है सेरेब्रम। ठीक है, तो देखिए, ये जो सेरेब्रम है, इसे प्रेमस्तिष्क भी कहते हैं, इसको प्रेमस्तिष्क भी कहा जाता है, प्रेमस्तिष्क भी कहते हैं सेरेब्रम को। तो ये जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में ये वाला भाग, अगर हम आगे वाला भाग मान लें, मतलब ये अग्र भाग है, इधर वाला ये आगे वाला भाग है, तो यहाँ से इस प्रकार से शुरू होता हुआ और यहाँ तक ये पीछे तक विस्तारित होता है, ये वाला भाग। तो यहाँ पर ये पाया जाता है आपका ये हाइपोथैलेमस, यहाँ पर अवस्थित होता है ये वाला भाग जो है, ये है हाइपोथैलेमस। और जो ये वाला भाग है, अर्थात जो प्रेमस्तिष्क है, ये भी चार भागों में बटा हुआ होता है। एक सबसे अग्र भाग होता है, ये वाला भाग सबसे अग्र भाग, ये नंबर एक, ये वाला अग्र भाग। जो ये अग्र भाग होता है, इसे हम कहते हैं फ्रंटल, ये प्रेमस्तिष्क का भाग है। दूसरा इसके पीछे होता है, ठीक है, यहाँ पर एक तो ऊपर वाला होता है, ये वाला ऊपर की ओर, ये वाला, ये इसे कहा जाता है, ये दूसरे नंबर का है, इसे कहा जाता है पेराइटल। और एक ये यहाँ पर होता है, जहाँ हमारे कान वाला भाग है, यहाँ पर ये वाला भाग होता है टेम्पोरल,
ये होता है तीसरा भाग जिसे कहते हैं टेम्पोरल, और एक ये वाला पीछे वाला भाग, ये वाला भाग होता है ओसीपिटल। ओसीपिटल तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क में कुल मिलाकर के ये तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला भाग, ये है हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, और ये वाला जो भाग है ये पूरा सेरेब्रम है। सेरेब्रम के भी चार पार्ट हैं, नंबर एक जिसे हम कहते हैं फ्रंटल, आगे की ओर वाला भाग, ये वाला भाग है फ्रंटल वाला भाग, ऊपर वाला भाग ये वाला भाग जिसे कहते हैं पैराइटल, और ये वाला भाग कान के पास वाला भाग इसे कहते हैं टेम्पोरल, और ये पीछे वाला भाग इसे कहते हैं हम ओसीपिटल। तो चार भाग होते हैं सेरेब्रम के, इन चारों भागों के अलग अलग काम होते हैं, एक एक करके बात करते हैं क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले फ्रंटल वाला भाग, ये फ्रंटल वाला भाग जो होता है ये आगे वाला भाग होता है फ्रंटल वाला भाग। देखिए जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, याद करते हैं, या जो भी चेतना हमारे अंदर आती है वो सब ये फ्रंटल वाले भाग से ही होता है। मतलब मैं एक तरीके से कहूँ, जो चीज़ हम पढ़ करके याद करते हैं, सोचते हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो इससे फ्रंटल वाले भाग से ही होती हैं, इसे फ्रंटल कहते हैं। उसके बाद में होता है यहाँ पर पैराइटल। पैराइटल वाला भाग काम करता है किसी भी चीज़ की अनुभूति के लिए। हमें जैसे कोई भी चीज़ फील होती है, कोई हाथ जल जाए या कुछ भी हो, तो जो भी जो हमारी अनुभूति होती है किसी भी घटना के प्रति, कोई चीज़ चुभ जाए तो भी हमें पता चलता है। तो ये जो सब पता चलता है ये होता है पैराइटल के कारण से। उसके बाद में ये टेम्पोरल, ये होता है सुनने के लिए, कोई भी चीज़ को हम सुन करके उसे डिकोड कर पाते हैं, तो ये सब होता है आपका टेम्पोरल के द्वारा। और कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और उसके बाद जो उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क को मिलती है तो वो ओसीपिटल वाले भाग को मिलती है। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि जो सेरेब्रम वाला भाग है उसके चार पार्ट होते हैं। फ्रंटल करता है हमारी सोचने की, हमारी चेतना की शक्ति पर काम। पैराइटल करता है हमारे अनुभव करने की, मतलब अनुभूति किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, किस तरीके से है। उसके बाद टेम्पोरल सुनने के लिए, कोई भी चीज़ जो हम सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, उसको डिकोड करने का काम टेम्पोरल करता है। और ओसीपिटल किसी भी वस्तु को देखने का कार्य ये ओसीपिटल के द्वारा होता है। तो ये चार भाग होते हैं इसके प्रेमस्तिष्क के। उसके बाद में ये जो अग्र मस्तिष्क होता है इसका एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस भी हमारे मस्तिष्क का एक प्रमुख अंग है। एक्चुअली ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसी हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है पीयूष ग्रंथि। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि इसी से जुड़ी हुई होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जितनी भी ग्रंथि होती हैं मैक्सिमम ग्रंथियों पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि रखती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमस नियंत्रण रखता है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे शरीर के पूरे हार्मोनल सिस्टम पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हाइपोथैलेमस का एक कार्य और होता है, वो होता है उत्तरजीविता का सिद्धांत। यानी हाइपोथैलेमस का ये कार्य है कि वो हमें आगे तक जीवित रखे, मतलब हमारे अंदर जो भी अनुवांशिक सूचना है वो आगे की पीढ़ी तक पहुंच जाए, उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है हाइपोथैलेमस के ऊपर। इसलिए कभी भी जीवन के खतरे जैसी जीवन के ऊपर खतरे का संकट कभी भी आता है तो ऐसे में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और हमारे शरीर की मैक्सिमम क्रियाओं को वो अपने हाथ में ले लेता है। इसके अलावा जैसे भूख हुई, प्यास हुई, जिनके कारण से इंसान की डेथ हो सकती है, भूख हुई, प्यास हुई, इसी प्रकार से प्रजनन जैसी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं शरीर की, उन पर कंट्रोल कौन रखता है? ये हाइपोथैलेमस ही रखता है। तो ये भाग था हमारे मस्तिष्क का जिसे कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। उसके बाद में जो एक प्रमुख भाग है उसे कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, देखिए जो पश्चिम मस्तिष्क होता है इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम, और एक दूसरा जिसे कहा जाता है मेड्यूला ओब्लंगेटा, मेड्यूला ओब्लंगेटा। देखिए सेरेब्रम और मेड्यूला ओब्लंगेटा ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के भाग, जो ये मस्तिष्क में पीछे वाला भाग होता है ये तो होता है आपका सेरेब्रम, इसको कहा जाता है, और जो मेड्यूला ओब्लंगेटा होता है वो वहाँ पर अवस्थित होता है जहाँ पर हमारा मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कोड हमारे मस्तिष्क से जुड़ता है, वहाँ पर अवस्थित होता है ये मेड्यूला ओब्लंगेटा। ये दोनों ही आते हैं पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत। सबसे पहली बात है कि सेरेब्रम का क्या काम होता है, पश्चिम मस्तिष्क का जो भाग है सेरेब्रम उसका क्या काम होता है। तो देखिए मैं आपसे बता दूं
कि ऐसी जितनी भी गतिविधियां होती हैं जिन्हें करने से वो हमारी आदत बन जाती है, जैसे नाचना। देखिए शुरू में कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है कि तुरंत नाचना शुरू कर देता है, पहले वो डांस सीखता है, उसके बाद में वो उसकी आदत बन जाती है, फिर उसके स्टेप वो सब याद रह जाते हैं। शुरू में किसी स्टेप को सीखना पड़ता है, फिर अपने आप ही वो बिना सोचे उन स्टेप को कर सकता है। ऐसे ही गिटार बजाना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, यहाँ तक कि लिखना भी, ये सब ऐसे कृत्य हैं जो हम शुरू में करते हुए हमें कठिनाई होती है, बाद में ये हमारी आदत बन जाती है। तो इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? ये सेरेब्लम वाला भाग ही करता है। तो हम किसी भी चीज़ को जब अपनी रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं तो उस पर कंट्रोल हो जाता है सेरेब्लम का, और उसके बाद फिर उसमें चूक नहीं होती है और उसमें हम महारत अपना हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है सेरेब्लम। उसके बाद अगला है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। देखिए मेडुला ओब्लॉन्गेटा अवस्थित होता है जहाँ पर हमारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क आपस में जुड़ते हैं, वहाँ पर होता है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। मेडुला ओब्लॉन्गेटा का काम होता क्या है? हमारे शरीर की मैक्सिमम क्रियाएं, जैसे हमारे हमारी श्वास दर, हमारे हृदय की स्पंदन गति, मतलब हमारे शरीर के जितने भी आंतरिक अंग हैं, ठीक है, उनमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो हमारी श्वसन को लेकर के हो, या हृदय की धड़कन हो, या फिर जैसे खांसी होती है, या फिर जैसे छींकना होता है, जैसे उल्टी आना होता है, इन सभी गतिविधियों पर नियंत्रण कौन रखता है? मेडुला ओब्लॉन्गेटा। तो हमारे दिनचर्या में विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएँ जो हमारे शरीर के आंतरिक खोखले अंगों में होती हैं, उन्हें संचालित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ओब्लॉन्गेटा के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये होता है पूरा मस्तिष्क, कि मस्तिष्क में तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। इंपॉर्टेंट है इसमें अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, देखिए क्योंकि मैं ये जो आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ये आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो बनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपके हो जाएं, और यहाँ से लगभग लगभग सब क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी ऑफलाइन क्लास में तो ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लास है बच्चे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दी जाए। तो मस्तिष्क के तीन भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ये जो अग्र मस्तिष्क है इसके दो भाग, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग, सेरेब्लम और मेडुला ओब्लॉन्गेटा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगली बात है मेरुरज्जु के बारे में। क्या मेरुरज्जु भी मस्तिष्क है? हाँ, मेरुरज्जु भी एक मस्तिष्क का भाग ही है, हालांकि इसे मस्तिष्क से अलग रखा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को। ये हमारे मस्तिष्क से नीचे की ओर मेडुला ओब्लॉन्गेटा से शुरू होकर और हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है। इसमें भी सूचनाओं को परावर्तित करने की क्षमता होती है हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड में। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वजह से रीढ़ की हड्डी टूटने से स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन में हमारे शरीर के कुछ निचले अंग कार्य करना बंद कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि केवल ऐसी तंत्रिकाएं जो हमारे अंगों को आदेश देती हैं वो केवल मस्तिष्क से नहीं निकलती, इसके अलावा वो मेरुरज्जु से भी निकलती हैं। अर्थात मेरुरज्जु से भी कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं जो हमारे शरीर के अंगों तक पहुँचती हैं, और उसके बाद वो हमारे शरीर के अंगों को क्रियान्वित करवाती हैं या उनको चला पाती हैं। अब इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे अगले, जिसे हम कहते हैं PNS में। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ANS आपको समझ में आ गया होगा, जिस ANS कह रहा हूँ, CNS जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। देखिए हमारी CNS पे बात हो गई है, CNS पे बात हो चुकी है, अब बात करते हैं PNS पे, अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र है क्या? देखिए मैंने अभी आपसे बताया ये हमारा इस तरीके से ये मस्तिष्क होता है, ये नीचे मेरुरज्जु है और ये मस्तिष्क है। तो होता क्या है, हमारा मस्तिष्क एक कपाल में बंद होता है, ये पूरे का पूरा एक कपाल होता है, हमारा क्रेनियल होता है उसमें बंद होता है, और नीचे इस तरीके से ये रीढ़ की हड्डी में हमारा मेरुरज्जु सुरक्षित होता है। तो होता क्या है कि हमारे मस्तिष्क से कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं, हमारे मस्तिष्क से कुछ इस प्रकार से तंत्रिकाएं निकलती हैं, और इसी प्रकार की कुछ तंत्रिकाएं हमारे मेरुरज्जु से भी निकलती हैं। जो हमारे कपाल से, यानी जो हमारे मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती हैं, उनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 12 इधर से, लेफ्ट से, और 12 राइट से। इसी प्रकार से हमारा जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु से भी कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं, और जिनकी संख्या होती है 31 जोड़ी। 31 जोड़ी क्यों? 31 लेफ्ट से और 31 राइट से। तो इस तरीके से हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। चूंकि ये कपाल से निकल रही हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है कपाल तंत्रिका। इसी प्रकार से मेरुरज्जु से भी निकलती हैं, इन्हें कहा जाता है रज्जु तंत्रिका। रज्जु तंत्रिका
तो इन 31 जोड़ी रज्जु तंत्रिका और 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका का रियल में काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि हमारे शरीर के जितने अंग हैं उन अंगों तक ये तंत्रिकाएं पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद उन अंगों को ये संचालित करती हैं। विभिन्न प्रकार की मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका जो हमारे दांतों से जुड़ी हुई होती हैं, शरीर के आंतरिक अंगों से जुड़ी हुई होती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सुन करने वाला, ठंडा करने वाला इंजेक्शन लगाता है, नॉर्मली एनेस्थीसिया कर देता है, मनुष्य में चेतनहीनता कर देता है। होता क्या है कि जिसके कारण से दर्द का एहसास नहीं होता, वो रियल में क्या करता है, वो उस वाली नर्व्स को कुछ समय के लिए ठंडा कर देता है कि जिसमें उसे कुछ काम करना होता है। जैसे मान लीजिए कि ट्राइजेमल, जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है अर्थात जो मस्तिष्क को हमारे दांतों से जोड़ती है, अगर डॉक्टर उस नर्व्स को ठंडा कर दे तो ऐसे में अगर वो दांतों को उखेड़ेगा या कोई भी उसमें कोई ट्रीटमेंट करेगा, किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन दांतों में करेगा, तो वो सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुँचेगी और जिसके चलते दर्द का आभास भी नहीं होगा। तो ये तंत्रिकाएँ होती हैं जो हमारे शरीर के अंगों को हमारे CNS से जोड़ती हैं। तो रियल में PNS क्या है? मैं कहूँगा PNS यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर के अंगों को हमारे CNS से जोड़ता है, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ता है। और इसमें क्या होती हैं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, इनकी संख्या पूछी जा सकती है, और 31 जोड़ी रज्जु तंत्रिका होती हैं। तो हमारे PNS 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं से मिलकर के बनता है और 31 जोड़ी रज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर के बनता है। उन तंत्रिकाओं का काम होता है मस्तिष्क से सूचनाओं को हमारे अंगों तक लेकर के जाना। इसी से सूचनाएं जाती हैं हमारे अंगों तक और हमारे अंग काम कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद PNS के बाद में जो अगला है उसे कहा जाता है ANS स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अर्थात एक ऐसा तंत्र जो अपने आप काम करता है, स्वतः काम करता है। तो देखिए ये जो ANS सिस्टम होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसे सिंपैथेटिक कहा जाता है और एक को कहा जाता है पैरासिंपैथेटिक। इसे कहा जाता है अनुकंपी और इसे कहा जाता है परानुकंपी। सिंपैथेटिक मतलब अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। ये सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक ये दोनों भाग होते हैं ANS के, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के। होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए जब हमारी शरीर सामान्य स्थितियों में होता है, अर्थात जब कोई डर नहीं है, कोई भी गंभीर परिस्थिति नहीं है, तो ऐसे में जो हमारा सिस्टम काम करता है वो करता है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है और इस सिस्टम पर नियंत्रण रखता है मेडुला ओवलंगेटा सामान्य तौर पर, यानी हमारे हृदय की गति, हमारी श्वास दर, जितनी भी प्रोसेस हैं वो सब चीज़ों पर कंट्रोल कौन करता है, ये मेडुला ओवलंगेटा ही करता है। लेकिन जब कभी भी खतरे की स्थिति आ जाती है या जब कभी भी कोई भी ऐसा हो जिससे हमारे शरीर को खतरा है, इस स्टेज में हमारे अंदर ये सिंपैथेटिक प्रोसेस काम करना शुरू कर देती है, अर्थात अनुकंपी सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और इस पर नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस का। अब होता क्या है, जैसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है तो अपने आप ही सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे हमारी श्वास दर तेज हो जाएगी, हमारी हृदय की गति तेज हो जाएगी, ठीक है, पुतलियाँ फैल जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, सिस्टम होता क्या है। देखिए सामान्य तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अनेक काम करते रहते हैं, तो इस दौरान पूरे का पूरा सिस्टम हमारा, चाहे श्वास दर हो या कुछ भी हो, वो सामान्य रहती है और इन पर नियंत्रण लगता है मेडुला ओवलंगेटा। तो जब भी हमारे सामने कोई खतरे की स्थिति आती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव हो जाता है, और हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्टिव होता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है, पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करता है और पीयूष ग्रंथि एड्रिनल स्टेबिलाइजिंग हार्मोन के द्वारा हमारी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करता है। ग्लैंड में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ मैंने डिस्कस किया था, और इससे जो पहले वाले लेक्चर है हार्मोन और ग्लैंड उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा। तो होता क्या है, हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड एक्टिव होती है और जिससे हमारे शरीर में एड्रेनलिन निकलता है और इस एड्रेनलिन के कारण से हमारी पुतलियाँ फैल जाती हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है, श्वास दर और हमारी जो रक्त की गति है वो बढ़ जाती है, हार्ट बहुत तेज़ बीट करने लगता है। इसके कारण से क्या होता है, बॉडी में अचानक एक एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी आ जाती है और जिसके चलते हम उस खतरे से लड़ सकते हैं या वहाँ से भाग सकते हैं, और यही कारण है कि एड्रेनलिन हार्मोन को भागो उड़ो मारो हार्मोन भी कहा जाता है।
तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है इसमें दो प्रमुख अंग होते हैं, एक हाइपोथैलेमस और एक मेडुला ओब्लॉन्गेटा। आप कहेंगे ये दोनों अंग तो हमने CNS में भी पढ़े हैं, हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस और मेडुला ओब्लॉन्गेटा स्वायत्त रूप से काम करते हैं, ऑटोनोमिक होकर के काम करते हैं, इसलिए अलग से इन्हें ANS सिस्टम का भाग माना जाता है। तो तंत्रिका तंत्र में हम CNS की बात कर चुके हैं, PNS की बात कर चुके हैं और ANS की बात कर चुके हैं। बच्चों मस्तिष्क के बारे में एक चीज़ और, मस्तिष्क में होने वाले कुछ रोगों के बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं कि मस्तिष्क में किस किस प्रकार के कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। ब्रेन डिसीज़ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। मस्तिष्क संबंधित रोग या मस्तिष्क के रोग, ठीक है। सबसे पहली एक बीमारी होती है नंबर एक, जिसका नाम होता है पार्किंसन। पार्किंसन डिसीज, पार्किंसन डिसीज इसे बोलते हैं। देखिए ये इस रोग में क्या होता है, पार्किंसन रोग वो होता है जो काफ़ी उम्र में होता है जाकर के, मतलब बुढ़ापे में जाकर के ये रोग होता है। और इस रोग में मानसिक स्थिति काफ़ी हद तक परिवर्तित हो जाती है, मनुष्य में कोई भाव नहीं रहता, मनुष्य में कोई भाव नहीं आता है और कठोरता दिखाई देती है चेहरे पर, और साथ ही साथ चाल भी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि इंसान चलता भी है तो वो कदम उठा के नहीं चलता, कम कदम घसीट के ही चलता है, मतलब बिल्कुल वैरागी वाली स्थिति हो जाती है। तो पार्किंसन एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें मनुष्य भावहीन हो जाता है और ये जाकर के बुढ़ापे में होती है, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरी बीमारी है जिसे कहा जाता है अल्जाइमर। अल्जाइमर देखिए अल्जाइमर क्या है, अल्जाइमर का नाम आपने सुना होगा, ये मुख्यतः मध्य आयु या फिर बुढ़ापे में जाकर के ही अल्जाइमर के लक्षण उभरते हैं। अल्जाइमर के लक्षणों में सारे तौर पर क्या होता है, इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती है। अल्जाइमर एक तरीके से जेनेटिक डिसीज़ भी है, काफ़ी बार ये हमारे जीनों पर ही इसका दोष होता है, मतलब माता पिता से भी काफ़ी बार बच्चों में ये बीमारी पहुंच जाती है। अल्जाइमर की स्थिति में मनुष्य अपनी धीरे धीरे अपनी जो भी बुद्धि होती है उसे खोता चला जाता है, अर्थात हमारी मेमोरी को जो है वो खोता चला जाता है, तो धीरे धीरे उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये जो प्रॉब्लम होती है इसे कहा जाता है आपका अल्जाइमर। ऐसे ही एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस। मैंने अभी बताया था मेनिंजाइटिस की, मेनिंजिस क्या होता है, मैंने बताया मेनिंजिस होते हैं हमारी जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ऊपर तीन झिल्ली होती है, जैसे मैंने तीनों के नाम बताए थे। एक का नाम होता है जिसे कहते हैं ड्यूरामेटर, एक का नाम मैंने बताया था अभी आपका आर्केनॉइड, और एक होती है पियामेटर। पियामेटर तो ये तीन झिल्लियाँ होती हैं जिन्हें मेनिंजिस कहा जाता है, और इन तीन झिल्लियों में काफ़ी बार संक्रमण हो जाता है, तो ये जो संक्रमण होता है ये झिल्लियाँ सूज जाती हैं और इसके कारण से जो बीमारी होती है इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर किसी वजह से विषाणुओं के इन्फेक्शन के कारण से हो जाए, मतलब वायरस इन्फेक्शन के कारण से हो जाए, तो ऐसे में इसे कहा जाता है इंसेफ्लाइटिस। तो इंसेफ्लाइटिस भी जो डिसीज़ है वो किस में होती है हमारी, ये इन झिल्लियों में होती है जो मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती है और मनुष्य मस्तिष्क की सुरक्षा का काम करती है। ठीक है, ऐसे ही आपका मेनिंजाइटिस के बाद ऐसे ही एक रोग होता है जिसे कहा जाता है एग्नोसिया। देखिए एग्नोसिया एक वो बीमारी है जिसमें इंसान अपनी मतलब पहचान खोने लगता है, अपनी पहचान नहीं मतलब दूसरों की पहचान, और ये एग्नोसिया काफ़ी प्रकार की, जैसे एक तरीके से इंसान आँखों से पहचानना बंद कर देता है, स्पर्श से पहचानना बंद कर देता है या सुन करके पहचानना बंद कर देता है, तो ये जो बीमारी है इसे एग्नोसिया, और इसमें मैं कह सकता हूँ इसमें पहचान नहीं पाता इंसान। ऐसे ही एक होती है आपकी एलेक्सिया। ये जो एलेक्सिया डिसीज़ है इसमें ये मस्तिष्क में चोट लगने के कारण से होती है एलेक्सिया। एलेक्सिया में क्या होता है, चोट लगने के कारण से इंसान पढ़ नहीं पाता, मतलब पढ़ने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या। ऐसे ही एक होती है आपकी इंसोमिया। इंसोमिया ये होती है अनिद्रा की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, अनिद्रा की समस्या, अनिद्रा की समस्या, इंसोमनिया, अनिद्रा की समस्या। ऐसा मानसिक तनाव रहता है कि इंसान को नींद नहीं आती है। ऐसे ही होती है आपकी एक एनालजेसिया।
एनालजेसिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मनुष्य दर्द के प्रति अनुभव नहीं कर पाता, मतलब दर्द का एहसास नहीं कर पाता, दर्द का एहसास नहीं कर पाता, मैं कहूँ दर्द के प्रति असंवेदनशील, दर्द के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। एनालजेसिया, इसमें मनुष्य दर्द के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। ऐसे ही एक होती है जिसे एमिनेशिया कहा जाता है, एमिनेशिया। एमिनेशिया भी एक तरीके की भूलने की बीमारी है, भूलने की समस्या। तो देखिए, इतनी सारी समस्या होती हैं आपकी मस्तिष्क से जुड़ी हुई, जैसे एक रोग हो गया आपका पार्किंसन रोग, जिसमें मनुष्य का चेहरा भावहीन हो जाता है, और ये मेनली बुढ़ापे में जा करके होती है, इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है पार्किंसन में। अल्जाइमर में वो अपनी याददाश्त खोने लगता है। मेनिनजाइटिस में जो झिल्लियाँ होती हैं मस्तिष्क की, उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही आपका एग्नोसिया, इंसान पहचान खो देता है, पहचान नहीं कर पाता, देख करके सुन करके स्पर्श करके पहचान नहीं कर पाता। एलेक्सिया, पढ़ने की समस्या हो जाती है मस्तिष्क में चोट लगने के कारण से। ऐसे ही इंसोम्निया, अनिद्रा की बीमारी, नींद आने में समस्या होती है। ऐसे ही एनालजेसिया, दर्द के प्रति मनुष्य असंवेदनशील हो जाता है, दर्द का उसे आभास नहीं हो पाता है, सुन हो जाता है, कहीं भी कुछ भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार से आपका एमिनेशिया, ये भूलने की समस्या होती है। तो ये मस्तिष्क की कुछ समस्याएँ हैं जो मनुष्यों में देखी जाती हैं। ऐसी एक बीमारी होती है जिसे सिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। सिज़ोफ्रेनिया भी एक मस्तिष्क की बीमारी है, और सिज़ोफ्रेनिया बीमारी में तो कुछ इस प्रकार का इंसान को आभास होता है, मतलब बिल्कुल विपरीत आभास। जैसे मान के चलिए कि इंसान इतना भाव विभोर हो जाता है कि मानो कि उसे वो ध्वनि को दिखाई देने लगे, ध्वनि को देखने लगे, और प्रकाश को उसे ऐसे लगे जैसे वो प्रकाश को सुन रहा है। तो मनुष्य में ऐसी स्थिति भी आ जाती है, और वो स्थिति होती है सिज़ोफ्रेनिया की। ये भी एक मस्तिष्क की बीमारी है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लेक्चर ही होगा, और जितनी जानकारी मैंने आपको दी है ये मस्तिष्क के बारे में, काफ़ी हद तक इससे इमेजेस आपके क्लियर हो चुकी होंगी। तो बच्चों, ये मस्तिष्क के बारे में हो गया। अब मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा आपसे सभी संवेदी अंगों के बारे में, जिसमें मैं आपका आइस के बारे में, ईयर, नोज़ के बारे में चर्चा करूँगा आपसे, और वहाँ से कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं समझाऊँगा आपको, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।